आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, लोगों का इलाज करते रहते हैं। एक अभी पेशेंट मेरे पास में आई, उसको उसके माँ ने लाया। अप्रॉक्सीमेटली वो लड़की 21-22 साल की होंगी। और वो जब लाया तो उसने ये हिस्ट्री दिया कि 6 महीने पहले ये एकदम पूरे पागल जैसी हो गई थी। उसको आभास हो रहे थे, कुछ तो भी आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे क्लियर कट उसको साइकोटिक सिम्टम्स थे। उसको एंटी साइकोटिक्स दिया, दवाई दिया और वो अभी काफ़ी अच्छी हो गई। मगर अभी उसको प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ भी काम करती नहीं, अब बैठे रहती है। और एक साथ मतलब एक बार 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 ऐसा बोलेंगी कि मेरे को नागपुर जाना है, नागपुर जाना है, नागपुर जाना है। उनका गांव जो है वो नागपुर से बहुत दूर है, 150 किलोमीटर, और बोलते मेरे को नागपुर जाना है और मौसी के यहाँ जाके रहना है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि नागपुर जाके करेंगे क्या। नहीं, बोले अपना मकान है पुराना, वहाँ जाएंगे तो वहाँ रहेंगे। भाई करेंगे क्या वहाँ जाके, नहीं मुझे जाना है। मतलब पूरा इलॉजिकल थिंकिंग, इरेशनल थिंकिंग है। बाकी कभी कभी चिढ़ जाती है और कभी कभी ऐसी बातें करती है कि थोड़ा सा लाइन छोड़ के, थोड़ा ट्रैक छोड़ के बात करेगी। बाकी घर में काम करेगी, बोला तो अपना अपना नहा धो लेगी, खाना खा लेंगी, मगर पढ़ाई का नाम नहीं, कॉलेज में जाएंगी नहीं। और हर बार वही है कि नहीं अपने नागपुर जाने का है, वहाँ हम पढ़ाई करेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ जाने के बाद में क्या करना है। तो भाई आगे करना क्या है तेरे को, अभी कॉलेज क्यों जाने का नहीं है, कॉलेज जाना कब से चालू करेंगी, तो उसकी बातें नहीं करेंगे, कुछ तो भी टॉपिक बदल देंगी और कुछ भी बोलना चालू करेंगे। अभी ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट रेसिडुअल स्किजोफ्रेनिया है। रेसिडुअल स्किजोफ्रेनिया इसका ऐसा मतलब होता है कि भाई उनको पूरा स्किजोफ्रेनिया एक बार आ गया अटैक, पूरा स्किजोफ्रेनिया का अटैक आने के बाद में उसको ट्रीट कर दिया। अब ट्रीट करने के बाद में पूरा अच्छा नहीं हुआ और कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है, दवाई चालू है, कुछ ऐसे सिम्टम्स, सेटल सिम्टम्स है थोड़े से कि लगता है कि नहीं ये पेशेंट है, मगर बाकी ऐसा मतलब पूरा पेशेंट भी नहीं है और पूरा नॉर्मल भी नहीं है। और उनको दवाई देने की ज़रूरत रहती है, तो दवाई चालू रखना ये लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दवाई चालू रखते तो अच्छे हो जाते। मैंने उनको ये बताया कि देखो भाई आपने दवाई देके उसको अच्छा किया, अभी ये जो रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया मतलब रेसिडुअल सिम्टम्स है, जो बचे हुए सिम्टम है, ये पूरे जड़ से निकालना ज़रूरी है। अभी वो दवाई से नहीं निकल रहे, दवाई ज़्यादा बढ़ा दिया तो सुस्त हो जाती है, ड्राउजी हो जाएगी, दवाई कम कर दिया तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़बड़ करना चालू कर देती। इससे अच्छा है कि दवाई वही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कम नहीं करेंगे, हम उसको भी शॉक ट्रीटमेंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देते, ECT इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, और वो भी हमने उसको रिकमेंड किया। और आपको मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ECT जब देते हैं हम, शॉक ट्रीटमेंट जब देते हैं, तो पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता कि उसको शॉक दिए, ना रिलेटिव्स को मालूम पड़ता कि शॉक दिए, क्योंकि हम पेशेंट को ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ उसको एनेस्थेटाइज करते हैं, एनेस्थेशिया देते, बेहोश करते हैं, और बेहोश करने के बाद में एक एंड से दूसरे एंड तक करंट जाता है ब्रेन का, और बाद में फिर व्यक्ति होश में आ जाता है। ऐसे अल्टरनेट डे उसको 6 या 8 शॉक ट्रीटमेंट हम देते हैं, और वो हमने उसको मैंने रिकमेंड किया, उन्होंने वो मान लिया, वो शॉक ट्रीटमेंट दिया, शॉक ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा। बोले कि भाई चमत्कार हो गया, बहुत चमत्कार हो गया उसका, उसको मतलब काम करने की इच्छा हो गई। अभी बोले मैं कॉलेज भी जाऊँगी। मैंने भाई देखो अभी इसको कम से कम साल भर तक आप दवाई लेना जरूरी है, मिनिमम एक साल, ज़्यादा भी हो सकता है 1 से 3 साल तक भी दवाई देना जरूरी है, और दवाई नहीं दिया तो फिर रिलैप्स हो जाएगा। तो उन्होंने मान लिया, हो दवाई चालू रखा, कॉलेज जाना भी चालू कर दिया उसने। मेरा ये वीडियो बताने का यह था कि ऐसे काफ़ी सारे रेसिडुअल सिम्टम होते हैं। लोग क्या करते कि नहीं अभी बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, छोटा मोटा बचा है, अब दवाई बंद कर डालो। वो दवाई बंद करते और फिर वो बीमारी उछल खाती है और फिर से वो ज़्यादा सिम्टम देखना चालू हो जाते। तो इसलिए डॉक्टर जैसा बोलते वैसा इलाज करो, पूरा कंप्लीट इलाज होना जरूरी है, और मूल से वो निकलना फ्रॉम दी मतलब ऐसा जो उसकी जड़ है वहाँ से निकलना वो जरूरी है बीमारी, और फिर कंसल्टेशन डॉक्टर से करना, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, ताकि वो अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं कि जिनको ये वीडियो बहुत काम में आ सकता है, तो ये ज़रूर आपके ग्रुप्स के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप पर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।